हेलो फ्रेंड, दिस इज डॉक्टर अनिल अनिल मेरा आई एम सीनियर ऑर्थोपेडिक फिजियोथेरेपी। फ्रेंड, आज हम बात कर रहे हैं हमारी हैंड बोन की फेलेंजर्स के फ्रैक्चर के बारे में, क्योंकि फ्रेंड यहाँ पर आप लोगों को कई कमेंट्स होते हैं, सर मेरे को फेलेंजर्स का फ्रैक्चर हुआ है, ये कितने दिन में जुड़ जाएगा, सर मुझे फ्रैक्चर हुआ है, यहाँ पर मुझे स्टेपिंग करानी चाहिए या मुझे यहाँ पर सर्जरी करवानी चाहिए। उसके अलावा सर, जैसे कि मेरा फ्रैक्चर जुड़ चुका है, अब मुझे एक्सरसाइज कब से करनी चाहिए, सर मेरा सर्जरी भी हो चुकी है और उसके अलावा स्टेपिंग भी हो चुकी है, टाइम पीरियड निकल चुका है, लेकिन फिर भी अभी मेरे को पेन बना हुआ है। तो इस तरह के यहाँ पर आप लोगों के कई कमेंट्स होते हैं, जिन सभी कमेंट्स को जवाब मिलेंगे आज आपको इस वीडियो के अंदर। शुरू करते हैं फ्रेंड हैंड फ्रैक्चर के बारे में। हैंड फ्रैक्चर की हमारी फेलेंजस बोन, ईच फिंगर में हमारी पाई जाती है यहाँ पर 3 बोन्स और हमारे थंब में पाई जाती है यहाँ पर 2 बोन और टोटल मिलकर होती है ये 15 फेलेंजस। अब फ्रेंड जैसे कि बात की जाए यहाँ पर फ्रैक्चर कैसे हो सकता है, तो फ्रेंड आपके आरटीए यानी रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट में किसी प्रकार से फ्रैक्चर हो सकता है। उसके अलावा हो सकता है कोई ऑब्जेक्ट, हैवी ऑब्जेक्ट डायरेक्ट आपके फिंगर पर बल गिरने की वजह से भी हो सकता है, जिसकी वजह से यहाँ पर फ्रैक्चर हो सकते हैं, यानी फ्रैक्चर किसी भी कारण से हो सकता है। अब फ्रेंड यहाँ पर जैसे कि आपको फ्रैक्चर हुआ, तो जैसे कि आपका एक्सरे करवाया जाए तो एक्सरे में क्लियर हो जाता है भैया यहाँ पर फ्रैक्चर, तो फ्रैक्चर किस प्रकार का, जैसे कि ट्रांसवर्स है, ओब्लिक है, स्पाइरल है, कम्युनिकेटेड है, डिस्प्लेस है, नॉन डिस्प्लेस, ये सारा एक्सरे में देख के पता हुआ चल जाता है। अब फ्रेंड यहाँ पर इसी एक्सरे के बेसिस पे यहाँ पर तैयार होता है आपका ट्रीटमेंट। तो यहाँ पर ट्रीटमेंट किस तरह से तैयार होता है, तो यहाँ पर डिपेंड करता है आपका, जैसे कि एक्सरे आपके देखेंगे एक्सरे में क्या दिखाई दिया, जैसे कि आपका फ्रैक्चर कहीं डिस्प्लेस है या नॉन डिस्प्लेस है। डिस्प्लेस यानी अपनी जगह से बोन का टूट कर शिफ्ट हो जाना या फिर हिल जाना, तो उसे हम बोलेंगे डिस्प्लेस। और फ्रेंड अनडिस्प्लेस यानी बोन का फ्रैक्चर हुआ लेकिन वो अपनी जगह ही है। तो यहाँ पर ट्रीटमेंट किसके आधार पर तैयार हो, यहाँ पर नॉन डिस्प्लेस या फिर डिस्प्लेस के आधार पर। अब फ्रेंड अगर बोन आपकी अनडिस्प्लेस है, यानी मान के लो इस फिंगर का आपको फ्रैक्चर हुआ है, ये अनडिस्प्लेस है, यहाँ पर फ्रेंड क्या होता है 2 वीक के लिए, जैसे कि यहाँ पर कॉटन वगैरह दो फिंगर को लेकर यहाँ पर कॉटन अप्लाई कर दी जाएगी बीच में और इसको स्टेपिंग के द्वारा वहाँ पर बांध दिया जाता है। किसके अंदर, अनडिस्प्लेस फ्रैक्चर के अंदर, जो कि फ्रेंड आपके यहाँ पर रखा जाता है 2 वीक का, यानी 2 वीक में लगभग मान के लो आपकी बोन आराम से जुड़ जाती है, देन उसके बाद स्टेपिंग निकाल दी जाती है और आप एक्सरसाइज वगैरह करना स्टार्ट कर सकते हैं। अगर फ्रेंड ये आपकी डिस्प्लेस हो जाती है यानी बोन अपनी जगह से हिल जाती है, तो सबसे पहले यहाँ पर रिडक्शन या मैनिपुलेशन के द्वारा अपनी बोन को एक जगह लाने का प्रयास किया जाता है। अगर फ्रेंड बोन अपनी जगह आ जाती है तो यहाँ पर एल्यूमिनियम स्प्रिंट का यूज़ किया जाता है, ताकि जिससे बोन हिले डुले नहीं और विद इन 3 वीक यानी 3 वीक में लगभग आपकी हड्डी जुड़ जाए, उसके बाद में देन आप एक्टिव एक्सरसाइज करना स्टार्ट कर सकते हैं। अगर फ्रेंड यानी रिडक्शन मैनिपुलेशन से फिर भी आपकी बोन अगर अपनी जगह नहीं आती है, तो यहाँ पर सर्जरी का ओपिनियन बनता है, जिसे हम बोलते हैं ORIF यानी ओपन रिडक्शन इंटरनल फिक्सेशन, जिसमें अपने यहाँ पर यूज़ किया जाता है KYF का, जो कि आपका 3 वीक का हो सकता है, देन उसके बाद वायर निकाल दिए जाएंगे, आप एक्सरसाइज करना स्टार्ट कर दीजिए। फ्रेंड इसके अलावा यहाँ पर एक और कंडीशन बन जाती है, जैसे कि आपको मान के चलो डिस्टल फेलेंजस, ये हमारी डिस्टल फेलेंजस है, अगर यहाँ पर आपको कम्युनिकेटर फ्रैक्चर हो जाता है तो यहाँ पर आपको स्पेसिफिक ट्रीटमेंट की जरूरत नहीं होती। यहाँ पर क्या होता है, जैसे कि आपका एक चूरा जो है वो चूरे को निकाल दिया जाता है, उसके बाद जो हमारे सॉफ्ट टिश्यू है सिर्फ यहाँ पर सॉफ्ट टिश्यू का ट्रीटमेंट किया जाता है। अब फ्रेंड यहाँ पर एक मुख्य सवाल बन रहा है कि सर जैसे कि मेरे 2 वीक हो चुका है, 3 वीक हो चुका है, 4 वीक हो चुका है, लेकिन अभी भी मेरे को यहाँ पर पेन बना हुआ है। फ्रेंड इस कमेंट्स का जवाब यह है, जब भी आपको फ्रैक्चर होता है तो फ्रैक्चर तो जुड़ जाता है लेकिन उस पेन को जाने में आपको समय लग सकता है, हो सकता है आपको 1 मंथ का समय लग जाए, 1.5 का या फिर 2 मंथ का भी आपको समय लग सकता है, इसलिए आप घबराएं नहीं। जैसे ये फ्रैक्चर जुड़ चुका है, आप फिजियोथेरेपिस्ट का चयन करें, उनसे जाके एक्सरसाइज किए और घर पर एक्सरसाइज करते रहें, पेन धीरे धीरे आपका सबसाइड हो जाएगा, जो कि उसका एक टाइम पीरियड। फ्रेंड यह था हमारा हैंड बोन के फेलेंजर फ्रैक्चर के बारे में। फ्रेंड वीडियो अच्छी लगे दो थम्स अप। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।